भाई भूतनाथ टेम्पल लेके चलो भाई, भूतनाथ टेम्पल के लिए कौन सा वे जाता है भाई, लक्ष्मण झूला से कितना दूर है भूतनाथ टेम्पल भाई, कितने घंटे का रास्ता है ऋषिकेश से भूतनाथ टेम्पल का। गाइस ऐसे ढेर सारे कमेंट आपके आ रहे थे मुझको, और मैंने पहले आप लोगों के एक दो कमेंट आए, सो मैंने सोचा कि ठीक है एक टाइम पे मैं ब्लॉग लेके आऊँगा, बट जब इस चीज़ में ज़्यादा कमेंट आने लग गए तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए जल्द से जल्द इस वीडियो को प्रिपेयर करा जाए। सो गाइस अभी जानकी पुल में हैं हम लोग, और अब जा रहे हैं डायरेक्ट भूतनाथ टेम्पल। सो गाइस आपको दिखाते हुए लेके जाऊंगा मैं, और अगर आप लोगों को विज़िट करना है यहाँ पर तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं कमेंट में भी आप लोगों के आंसर दूंगा कि आप लोगों को कैसे किस तरीके से यहाँ पर पहुँचना है। और गाइस इस टाइम जो मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे गंगा रिवर बह रही है, और मैं जानकी पुल से थोड़ा ही दूर पर खड़ा हूँ, वो देख सकते हैं आप लोग, वो है जानकी पुल। और गाइस अब चलते हैं, फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भूतनाथ टेम्पल के मेन रोड पर। ये देखिए आप, वो है उसका मेन गेट, और यहाँ से हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, और अभी दिखाएंगे आपको कैसा है भूतनाथ टेम्पल। मैं आपको इसका पूरा विज़िट करवा रहा हूँ ताकि कल के दिन अगर आप लोग यहाँ पर आते तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई भूतनाथ टेम्पल लेके जाओ, भूतनाथ टेम्पल लेके जाओ। और गाइस एक बार यहाँ से व्यू देख लीजिए आप, वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, वो है भूतनाथ टेम्पल। सो गाइस चलते हैं अभी वहाँ से, और वहाँ से आपको यहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। सो बने रहिएगा व्लॉग के साथ। सो गाइस मिलते हैं। सो फाइनली गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं, और भूतनाथ टेम्पल आप ये देख सकते हैं मेरे जस्ट ऊपर। गाइस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो शायद आपको इतना क्लियर शो ना हो, बट मिनिमम 3 से 4 मिनट मुझको और लगेंगे ऊपर पहुँचने में, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ क्या है भूतनाथ टेम्पल में एक्चुअल में, और मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। तो गाइज एक बार मैं पहुँच जाऊँ उसके बाद शूट करते हैं, और स्टार्टिंग दिखाते हैं आपको कहाँ से इसकी। सो गाइज आप देख सकते हैं ये है इसका फ्रंट गेट, सेकंड वाला स्टार्टिंग में। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भूतनाथ टेम्पल, जिसकी आप कमेंट में इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भूतनाथ टेम्पल लेके चलो, भूतनाथ टेम्पल लेके चलो। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं उत्तराखंड ऋषिकेश के अंदर, राम झूला क्रॉस करके जानकी पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं भूतनाथ टेम्पल, जो है 84 कुटिया के थोड़ा ही आगे। सो गाइस आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू, तो आगे एक्सप्लोर करते हैं आपको। भूत धरती
So guys, अभी हम लोग हैं थर्ड फ्लोर में इसके, और आप लोग यहाँ का व्यू देखिए कैसा है। तो अब आप लोगों को लेके जाएंगे फोर्थ फ्लोर पे। देखते हैं अभी हम लोग करेंगे वहाँ पे जाके शूट, और वहाँ से दिखाएंगे आपको प्रॉपर व्यू नीचे का। गाइस देख सकते हैं जानकी पुल यहाँ से कितना प्रॉपर और क्लियर दिखाई दे रहा है। हेलो, सो गाइस मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको इस टेंपल के रिगार्डिंग। गाइस ये जो टेंपल है वो इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ पे, इसका नाम भूतनाथ टेंपल इसलिए पड़ा है क्योंकि जब शिव शंकर भगवान जी की जो शादी थी, सो गाइस वो स्टार्ट, या मतलब जो स्टार्टिंग हुई थी वो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, और तब से जो ये टेंपल है वो यहाँ पर है गाइस। सो जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है ये पीछे का, यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और यहीं पर से जो शिव शंकर भगवान की जो शादी थी वो यहीं से निकली थी। सो गाइस ये ओके गाइस अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग आपको क्या चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और अगर आपको यहाँ का व्यू चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर कभी पूरी डिटेल लेके आऊँगा, जिस जगह पर अभी मैं हूँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से। ये देखिए गाइस, इस जगह को मैं आपको दिखाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जगह नाइट में काफ़ी हॉरर टाइप हो जाती है, मतलब एक तरीके की भूतिया जगह है ये। नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब देखी जा सकती है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर मतलब जो यहाँ गांव के लोकल लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी टाइम किसी चीज़ को देखा है आते हुए। और अगर आपको यहाँ का नाइट का ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि यहाँ पर का मैं टूर आपके लिए लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँगा। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप लोग वॉच करके तो चले जा रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना गाइस, और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में डायरेक्ट। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।